भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा के तेज तर्रार युवा नेता रणजीत राय बड़े को भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा है। पार्टी के इस निर्णय से भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों में खुशी की लहर है। युवा मोर्चा के नवनिर्वाचित क्षेत्रीय अध्यक्ष रणजीत राय बड़े के प्रथम गोरखपुर आगमन पर युवा मोर्चा के सदस्यों ने नवनिर्वाचित क्षेत्रीय अध्यक्ष का नौसर चौराहे विश्वविद्यालय गेट सहित विभिन्न स्थलों पर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित क्षेत्रीय अध्यक्ष रणजीत राय बड़े को माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन करते हुए जय कारे के नारेबाजी की। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नवनिर्वाचित क्षेत्रीय अध्यक्ष रणजीत राय बड़े ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठाना सभी भाजपाइयों का संकल्प है, जिसके तहत वो भी जान लगाकर कार्य करेंगे। पार्टी ने निश्चित तौर पे मुझे 2019 के लिए मुझे युवा मोर्चा का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया है। निश्चित तौर पे युवा ही समाज का और देश का परिवर्तन का वाहक होता है। युवाओं ने ठान लिया कि 2014 में भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार को देश से मुक्त करना है, तो युवाओं ने अगर मन में बसा लिया तो 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को प्रचंड बहुमत देख के प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था। एक बार पुनः युवा मोर्चा के ऊपर भारत देश का नौजवान फिर विश्वास करेगा और 2019 के होने वाले लोकसभा चुनाव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सभी के नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः स्थापित करने का काम करेगा। आज उसी क्रम में गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता और छात्र अपने युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप मीडिया के माध्यम से गोरखपुर विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित छात्रों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब बनी है गोरखपुर सहित प्रदेश के सभी संबद्ध विद्यालयों में चुनाव हुआ है। इस बार भी पूर्णता लिंगदोह कमेटी को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में चुनाव कराने का काम करेगी।